कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा है सब, बहुत बढ़िया है, कभी कभी ऐसा लगता है जिससे सब बिल्कुल एकदम बेकार है। जिंदगी में भी और वैसे भी जैसे है, कभी तो लगता है बहुत आनंदपूर्वक है सब कुछ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं वो क्षणिक था वो है, तो एक ठहराव सुने नहीं, फ्लक्चुएशन तो होता है और फ्लक्चुएशन शुभ है। देखिए इन चीज़ों पर कभी बहुत वो नहीं करना चाहिए। अध्यात्म में एक फॉर्मेट, तभी मैं बात करूं पहले, अभी आपके प्रश्न पर आता हूं डॉक्टर साहब के फॉर्मेट। देखिए मित्रों से मेरा कहना है उस पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा, नहीं काम करेंगे तो जो इवोल्यूशन मेरी आशा है और आप काम कर रहे हैं उसमें अटकाव आएगा और उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे कार्य क्षेत्र से वो बाहर हो जाएगा। वो ये कि देखिए सारे मित्र जितने भी यहाँ पर हैं, हम लोग सब लोग वर्षों से जुड़े हुए हैं, बहुत अभिन्नता से जुड़े हुए हैं, सब बहुत निकटता से हैं, तो चाहे हम अकेले बैठते हों चाहे ध्यान के सिटिंग में बैठते हों, आप लोग बड़े औपचारिक ढंग से बैठना बंद कर दें। पहली चीज तो ये, जैसे बहुत आप फॉर्मल बैठते हैं और सहजता नहीं होती उसमें, सहज होकर बैठने में ये है कि आप बातचीत कर सकते हैं, बहुत ही रिलैक्स ढंग से आप अपनी बात को आगे चला सकते हैं, बोल सकते हैं, खोए खोए से नहीं। सजगता का तात्पर्य ये है, इस बिंदु को मैं इसलिए उठा रहा हूँ, बहुत बार उठाने के बाद फिर उठा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस पर आप लोगों को काम करना है। अगर नहीं करेंगे काम तो थोड़ी समस्याएं आएंगी। सहजता से बैठना सीखें और फ्लूट हों एटमॉस्फेयर, जैसे नए लोग हों तो नए लोगों से हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अभी उतने परिचित नहीं हैं तो संकोच में बैठ सकते हैं, खामोशी में बैठ सकते हैं। जो लंबे समय से जुड़ चुके हैं उनको ऐसे नहीं बैठना चाहिए और सहजता से बातों को लेकर आगे चलना चाहिए, तो आपके इवोल्यूशन के नए नए द्वार खुलेंगे। और कई मित्रों को देखिए, इसीलिए एक समस्या इधर बहुत लंबे समय से आ रही है, 2-3 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, वो मुझसे बार बार पूछते हैं कि, और वही बात बार बार पूछते हैं, वही बात बार बार इसीलिए पूछ पाओगे क्योंकि ये वाला पॉइंट वहां पर अटका है। तो इस पर काम करें, ध्यान और सेटिंग अपनी जगह पर और ये वाला पॉइंट, इस पर काम अपनी जगह पर, ये बहुत जरूरी है। अब जो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि अच्छा लगना ना अच्छा लगना, ये दोनों चीजें जिंदगी में देखा जाए कि दोनों चीजें आती हैं, कोई भी एक चीज नहीं रहती। इसका एक दूसरा तल यह है कि साधक जब ध्यान की गहराई में जाता है तो आम तौर से अच्छा बुरा लगने वाली बात उसकी खत्म होती है। जैसे जिन बातों से आम तौर से अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है अब उसको उस तरह से नहीं लगता, और चीजों का एक भ्रमपूर्ण सत्य, जैसे जो इल्यूजरी फैक्ट है, जो जिसको कहते हैं कि इसमें कोई सार नहीं है, असार, तो उस असार का बोध उसे लगातार होता है, वो कहीं भी है कुछ भी कर रहा है। अगर उस जीवन में कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं है, तो उसे इसका लगातार बोध है। ये लगातार बोध कई बार ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि अच्छा न लगने वाली भावदशा है, कि आपको कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अलावा पीछे, इसके पीछे उसके एक और चीज टूट जाती है, वो अपनी चेतना की चीज होती है, जहां पर वो शांत है, स्थिर है और प्रसन्न है। लेकिन अब ये प्रसन्नता थोड़ी अलग किस्म की, इसकी क्वालिटी फर्क है। इस प्रसन्नता का कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है,
अकारण। तो साधक के लिए दो चीजें अगर जब आए उसकी जिंदगी में तो समझना चाहिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं, हम ठीक दिशा में हैं। क्योंकि एक बाहरी तल पर आप असार को अनुभव कर रहे हैं, इसको पारंपरिक उसमें कहते हैं कि उदासीन भाव पकड़ लेता है, इसीलिए एक संप्रदाय भी है उदासीन संप्रदाय। उदासीन भाव पकड़ने का अर्थ ये होता है कि अब जीवन में बहुत सारी चीजें इतनी साफ साफ दिखाई देने लगी हैं कि उनमें हम बेवजह खुश नहीं हो पाते। खुश होने का कोई ठीक है, वो है तो ठीक है, नहीं है तो वो कंफर्ट जोन में आ जाती हैं चीजें। कई बार जब हमारी समझ कम होती तो जो चीजें हमारी कंफर्ट जोन की होती हैं, हमारी सुविधा की, हम उनमें भी बहुत खुश होते हैं। और उन चीजों में ये है कि वो आई गई, कोई स्थिरता नहीं है, वो आ सकती हैं जा सकती हैं। उनका दुख भी कई बार ऐसा ही हो सकता है कि कुछ मिल गया तो खुश हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए, या जो मिला था नहीं रहा तो दुखी हो गए। वो सुविधा और असुविधा के दुख की बात है। साधक के जीवन में भी ये तो स्पष्ट ही हो जाता है कि ये ऐसा ही है, चीजों का ढंग ऐसा ही है, वो बनती हैं, बिखरती हैं, मिलती हैं, खोती हैं, इससे उसे कोई परेशानी नहीं है। इसके प्रति वो एक तरह से उदासीन हो गया है, थोड़ा सा लीला भाव भी उसके अंदर आ गया है, चलने दे रहा है सब कुछ, क्योंकि संसार में तो चलने देना पड़ता है। साधना के माध्यम से उसके अंदर एक दूसरी बात पैदा हो गई है जो महत्वपूर्ण है, वही साधना का हिस्सा है अध्यात्म का, कि इस उदासीन भाव के पीछे अब उसको एक अपने आंतरिक शांति के स्रोत का पता चल गया है, अपने होने के आनंद में वो स्थित हो गया है। और वो आनंद बड़ा धीरे धीरे बहने वाला है। बाहरी तौर से जब आनंद होता है वो छलकता है, जैसे जो लोग बहुत हंसते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जरूरी नहीं वो बहुत खुश हों, और कई बार जब लोग ज़्यादा हंसते हैं तो संभव है कि वो बहुत दुखी हों। जब सचमुच में हम आनंदित होते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीसस के जीवन में कहते हैं कि जीसस कभी मुस्कुराए नहीं, तो लोगों को लगता है क्या उदास रहे, नहीं उदास नहीं रहे, शांत हो गए। शांति अपने आप में गहरी बात है, वो प्रसन्नता का स्रोत है, अन्यथा जितने भी सुख हैं वो उत्तेजना पैदा करते हैं और उत्तेजना आती चली जाती है। तो इस चीज का दर्शन होना अपने आप में साधक के लिए शुभ है कि जो चीजें आ जा रही हैं उनमें कोई बहुत लिप्त नहीं होना है। वो एक तल है जो आने जाने में है, जो परिवर्तनशील है, लेकिन इसके पीछे जो दूसरी बात है उसकी ओर मैंने इशारा किया, और वो आपके भीतर है, उसको मैं जानता हूँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे प्रश्न आया आपके भी आपका, तो कोई अगर इस प्रश्न को सामान्य तौर से देखेगा तो ये चीज़ है कि चीज़ों के आने जाने का आपको बोध हो रहा है, खुशी आती है, खुशी जाती है, कभी अच्छा फिर अनुभव कर रहे हैं, कभी अच्छा नहीं अनुभव कर रहे हैं, यही ना। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पीछे आपके भीतर एक और चीज़ भी पैदा हो चुकी है पिछले 6-7 बरस से, उस चीज़ पैदा हो चुकी है और गहरी जाएगी। उस सबके पीछे कोई जागा हुआ भी है, उस सबके पीछे किसी को इस सारे परिवर्तन का बोध भी हो रहा है, तो एक ठहराव है, वो गहरा तल। साधना उसी तल की ओर ले जाती है। आजकल जो बहुत सारे लाफिंग क्लब खुले हुए हैं कि हाँ वो जस्ट की उदासी और निराशा को खत्म करने के लिए सब, तो ये सब लाफिंग क्लब के लिए सब केवल आपको टेम्परेरी
बाकी कोई जब तक अंदर से शांत नहीं है तो बस ऊपरी तल पे ही थोड़ा उसका वैसे रहता है, फिर आपके वो लाफिंग क्लब से जब कोई लाफ करके हंस के निकला हो उसके ठीक दो मिनट बाद उससे मिल के देखो। अभी अभी यह व्यक्ति हंसकर आ रहा था और अभी इसका चेहरा कैसा है। देखिए ये सब केवल थेरेपी है तो उसको थेरेपी की तरह से मान सकते हैं कि हम लाफिंग थेरेपी का यूज कर रहे हैं। हंसने की आपकी जो मांसपेशियां थीं बहुत दिनों से न हंसने से जाम हो गई थी तो उन मांसपेशियों के जकड़न से कई सारी आपको तकलीफें हो रही थीं, तो आर्टिफिशियली हम उसको इंजेक्ट करके आपके उन मसल्स को थोड़ा रिलीज कर देते हैं, लेकिन इससे आप प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सरसाइज की तरह से ठीक है लेकिन प्रसन्नता के तौर से उसका कोई योगदान नहीं, उससे कोई प्रसन्न नहीं होता। ध्यान में कभी कभी ऐसा लगता है कि ध्यान में खूब देर तक बैठे रहे लेकिन काम ऐसा होता है कि वो जो है बीच में ही मतलब कि आँख खोलनी पड़ती है, जल्दी जाना है, और कभी कभी बिल्कुल फुर्सत होती है कि आज खूब बैठे ही, उस दिन विचार ऐसे आते रहते हैं, उस दिन ध्यान बहुत कम लगता है। इसका काम करेंगे। ये जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है और इस पर परिणाम आएंगे। जिन कामों को लेकर हम बहुत बेचैन हैं, जिस दिन तुम दुनिया में नहीं रहोगे उस दिन भी वो काम चलेंगे, और ये किसी को पता नहीं कल रहोगे कि नहीं रहोगे, काम फिर भी चलेगा। जिसको लेकर चिंतित थे वो तब भी वैसा ही होगा। तो कभी थोड़ा जुआ खेलें, इट्स मैटर ऑफ गैम्बलिंग, कभी कभी कार्ड खेलें कि जब भाव हो रहा हो कि बैठे रहें काम छोड़ दें, कभी छोड़ देते हैं, बहुत बढ़िया होता है, छोड़ दें काम। तो अस्तित्व दोनों चीजें संभाल देगा, लेकिन ये मत कहे कि अस्तित्व हमेशा संभाल लेगा, क्योंकि अस्तित्व भी फिर कार्ड खेलेगा। आप कार्ड खेलेंगे तो डिवाइन फोर्सेस भी कार्ड खेलेंगे, उनका भी जुआ है अस्तित्व की शक्तियों का। कभी कभी काम नहीं भी होगा, कभी आप छोड़ेंगे और आपको आशा थी काम बनेगा, काम नहीं बनेगा, लेकिन उसकी भी परवाह नहीं करेंगे, हमेशा के लिए नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए और हमने अस्तित्व को ये मैसेज दे दिया कि हम ध्यान की गहराई के लिए अपने आप को दांव पे लगा सकते हैं, हम ये खेल खेल सकते हैं, फिर अस्तित्व सहयोग करने लगता है, फिर कोऑपरेट करने लगता है, फिर परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग बनेगी, आपके अनुसार बनेगी कि जब आपको बैठने का भाव है तो सब कुछ व्यवस्थित है, उस दिन कोई व्यस्तता नहीं है, कुछ काम नहीं है, सब चीज़ें ठीक हैं। अभी क्या है कि चूँकि अंदर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है तो अंदर रेजिस्टेंस में अस्तित्व, ये सब अस्तित्व के खेल हैं, तो वो उसी दिन भाव पैदा करेगा अस्तित्व जिस दिन आपको बड़ा काम होगा। और अस्तित्व केवल एक आपसे मांग कर रहा है कि आप अपने को दांव पर लगा दें, आप कहें नहीं मैं तैयार हूँ, आई एम प्रिपेयर्ड, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो एक आध बार तो ये चलेगा लुका छिपी का खेल, कभी काम बनेगा कभी नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने ये 100% कह दिया कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, फिर सब व्यवस्थित हो जाएगा, फिर सब ठीक आर्डर में आ जाएगा। तो कभी कभी लोगों को भाव पकड़ते हैं तो ये चलना चाहिए, ये चाल चलनी चाहिए।